दतिया जिले की भांडेर विधानसभा आरक्षित क्षेत्र 21 में 3 नवंबर को हुए मतदान की गणना मंगलवार को संपन्न हुई। मतगणना के 19 राउंड के उपरांत भांडेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद माहौर ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रक्षा संतराम सरोनिया को विजय घोषित कर जीत का प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस मौके पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त गणना प्रेक्षक चितरंजन कुमार, कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी बी विजय दत्ता, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह सहित अधिकारीगण आदि उपस्थित थे। रक्षा सरोनिया को मतगणना के 19 राउंड पश्चात 57,043 मत प्राप्त हुए, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार फूल सिंह बरैया को 56,882 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार वे 161 मतों की बढ़त लेकर विजय घोषित किए गए। जिला मुख्यालय पर स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय दतिया में बनाए गए मतगणना केंद्र पर मंगलवार को 8 बजे से मतगणना का कार्य कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ शुरू हुआ था। मतगणना के शुरू में डाक मत पत्रों की गणना शुरू हुई। आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि जो जनता ने आपके ऊपर विश्वास जताया, आप इसको भली भांति पूरा करें। आज के परिणाम के अनुसार फूल सिंह बरैया जी हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से, इनको मिले टोटल 56,882 मत जी। महिंद बौद्ध बहुजन समाज पार्टी से, इनको मिले 7,055 मत। रक्षा संतराम सरोनिया भारतीय जनता पार्टी से, इनको मिले 57,043 मत। अशोक पवार वंशकार समता समाधान पार्टी से, इनको मिले 783 मत। रामदयाल प्रभाकर, इनको मिले 174 मत। उत्तम सिंह निर्दलीय उम्मीदवार, इनको मिले 99 मत। उदल सिंह ठाकुर खंगार निर्दलीय उम्मीदवार, इनको मिले टोटल 111 मत। चंद्रवान सिंह निर्दलीय उम्मीदवार, इनको मिले 148 मत। चंद्रशेखर निर्दलीय उम्मीदवार, इनको मिले 156 मत। जगन्नाथ प्रसाद निर्दलीय उम्मीदवार, इनको मिले 179 मत। मोहर सिंह निर्दलीय उम्मीदवार, इनको मिले 360 मत। रघुवीर रवि वंशकार निर्दलीय उम्मीदवार, इनको मिले 715 मत। स्वदेश कुमार निर्दलीय उम्मीदवार, इनको मिले 744। इसके अलावा 14वें नंबर पर था जिसमें ऑप्शन था, इनमें से कोई नहीं, इस पर 1,619 लोगों ने मत किया है। तो इस प्रकार जो फाइनल विजयी प्रत्याशी हैं, उन्होंने दूसरे नंबर के प्रत्याशी को 161 के अंतर से हराया है। विजय प्रत्याशी को अपने एज ए RO आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये उपचुनाव था इसलिए और ज़्यादा कांटे का टक्कर का था, और मैं नई परिवार में आई थी तो सब लोगों को लग रहा था कि मैंने पहले कुछ नहीं कर पाया है तो शायद इस बार नहीं, पर मुझे जनता का पूरा आशीर्वाद मिला, पूरा विश्वास मिला, और मेरे साथ BJP के सारे नेता छोटे बड़े मेरे साथ खड़े रहे। नरोत्तम मिश्रा जी, CM साहब, शिवराज सिंह चौहान जी, और सबसे ज़्यादा महाराज CDS जी, जो उन्होंने मेरे लिए 3-4 सभाएँ दी, और यहाँ दादा नरोत्तम मिश्रा जी ने मेरे लिए जी जान लगा दी, इसलिए मुझे आज मैं यहाँ खड़ी हूँ कि मुझे जीत मिली। किसकी जीत मानती हैं आप? ये सबसे ज़्यादा तो जीत है कार्यकर्ता की, और इस चुनाव में मेहनत जी तोड़ सभी ने की।